rubber is prepared out of the milk oozing out of the latex trees. Acetic acid is mixed with the milk collected from the rubber plantations. Then it is heated on the low temperature to obtain rubber. तो ये जो मिल्क है वाइट मिल्क जो ट्रीज में से प्रोड्यूस होता है एंड एसिडिक एसिड दोनों को मिक्स करके लो टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो रबर प्रोड्यूस होता है। ये जो रबर है कहाँ 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 यूज़ आता है, तो इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ होता है टायर्स बनाने में और ट्यूब्स बनाने में। रबर प्लांटेशन इज़ कैरिड आउट इन द रीजन्स ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड हैवी रेनफॉल, जहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो और बारिश भी ज़्यादा हो ऐसी जगहों पर आप रबर प्लांट्स ग्रो कर सकते हो। मलेशिया जो है वो रबर प्रोडक्शन में नंबर वन पे आता है। इंडिया में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम एंड त्रिपुरा, यानी ज़्यादातर तो साउथर्न रीजन्स ही हैं, असम एक ईस्टर्न स्टेट है। तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम एंड त्रिपुरा, त्रिपुरा भी ईस्ट में होगा, दे आर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। चलो कंडीमेंट्स एंड स्पाइसेस है ना, मसाले इंडिया के जो सबसे ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्यूमिन सीड्स, फेनल सीड्स, इसबगुल इन द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई स्टेट अगर ये चीज़ें प्रोड्यूस करता है तो वो गुजरात में ही होती हैं। बिसाइड्स दिस इंडिया लीड्स इन द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ड्राइड कोरिएंडर, फेन्यूग्रीक, मस्टर्ड, सुवा एंड अजवाइन। इंडिया कंट्रीब्यूट्स अबाउट 35% इन द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कंडीमेंट्स। ठीक है, जो मिर्च मसाले होते हैं उनमें 35% पूरी दुनिया में से हमारे इंडिया में प्रोडक्शन होता है। ब्लैक पेपर, सिनेमन, क्लव्स एक्सेट्रा, ये हमारी कंट्री के ही बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं और पूरे वर्ल्ड में डिमांड में रहते हैं। अश्वगंधा, तुलसी, करियातू, मिंदी आवल, वाइट मुसली, वाइट मुस्लिन क्लोथ, दैन मधुनशनी, अशोक, गर्मल, लिंदी पाइपर, गलो, अलोवेरा आर इंक्लूडेड एज मेडिसिनल प्लांट्स। ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। जो करियातु है वो तो करेले से भी ज़्यादा करवा होता है। दार। हाँ कहो। पूछना है किसी को कुछ? ठीक है, तो ये चलो मेडिसिनल प्लांट्स है, अश्वगंधा तुलसी से लेके ये जो अलोवेरा तक था, ये सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मेडिसिंस बनाने में यूज होते हैं। उसके अलावा मिंट, मेंथॉल, पाम रोजा, लेमन ग्रास, ये फ्लेवर्ड क्रॉप्स हैं, चीज़ों में फ्लेवर लाने के लिए यूज होते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स, फ्रूट में अगेन हम सेकंड हैं चाइना के पीछे, फ्रूट्स के नाम दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं ये आपको पता है। फ्रूट्स के बारे में तो आप सबको पता ही होगा, बनानास आर ग्रोन इन साउदर्न रीजन तमिलनाडु, उसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र में भी। एप्पल्स जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा फेमस हैं। ग्रेप्स उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में जितनी डिमांड है ग्रेप्स की। ऑफकोर्स हमें पता है कि ग्रेप्स में से वाइन भी बनती है और उसकी वजह से ग्रेप्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जितनी डिमांड है उससे हम प्रोडक्शन कम कर पाते हैं, इसलिए हमें ग्रेप्स बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और ऑस्ट्रेलिया से ग्रेप्स आते हैं हमारी कंट्री में। वेजिटेबल्स भी हमारे इंडिया में काफ़ी जगहों पर प्रोडक्शन होती है। फ्लावर्स लाइक रोज़, जुई, मोगरो, गलगट्टा, ये भी कल्टिवेट होते हैं, सो इससे आपको वैरायटी ऑफ क्रॉप्स पता चलता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रख रहे हैं टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, कल ही स्टार्ट करेंगे और कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बस अब 2-3 पेज ही बाकी है। किसी को कुछ पूछना है आज के लेक्चर का? लक्ष्य? यस सर। कुछ पूछना है क्या? नो सर। क्यों कम जाने आ रहे हो आजकल? ओनली 13।
पांच छह जने एब्सेंट है, फोन करने पड़ेंगे जो लोग एब्सेंट रह रहे हैं। एक मिनट चालू रखो, मैं